पाएँ। तो आज का ये टॉपिक है मेरे अपने ही चैनल के बारे में, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान भी हूँ और मुझे इसका कोई सलूशन अभी तक नहीं मिला और मुझे कुछ खास पता भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने अपनी फ्राइडे की जो वीडियो थी ब्लॉगिंग की, फूड पार्टी की, वो मैंने फ्राइडे को ही अपलोड करनी थी, लेकिन मैं उसको एडिट कर रहा था और फ्राइडे नाइट को आके मैंने उसको अपलोड भी किया, लेकिन उस पर कॉपीराइट का एक क्लेम आ रहा था, जिसकी वजह से उस वीडियो को मुझे दोबारा चेक करना पड़ा, एडिट करना पड़ा। सेकेंड टाइम उसको मैंने सैटरडे को अपलोड किया, लेकिन फिर कॉपीराइट क्लेम, और फिर मैंने उसको चेक किया। कुछ दोस्तों ने बताया कि इस पर आपने कोई ऑडियो ऐसी यूज़ की है, कोई लैंग्वेज ऐसी यूज़ की है, जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, लेकिन मुझे उसका सलूशन नहीं मिल सका अभी। मैं इसकी वजह से परेशान था, तो आपके लिए मैं मशवरा करने वाला हूँ। तो आप मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप में से किसी को इस सिचुएशन के बारे में या इस प्रॉब्लम के बारे में, इस इशू के बारे में किसी को भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो ज़रूर मुझसे शेयर कर सकता है, क्योंकि अभी तक मुझे इस बारे में बहुत पता नहीं है कि क्यों कॉपीराइट क्लेम आया, क्योंकि वीडियो भी टोटल मैंने अपनी ही यूज़ की थी जो मैंने खुद से बनाई थी, और म्यूज़िक भी कॉपीराइट पे नहीं था, और हर चीज़ मैंने उसको चेक किया, लेकिन अभी वो मैंने वीडियो कॉपीराइट के साथ ही अपलोड की हुई है, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है ब्लॉगिंग, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होने वाला मुझे। तो उसके बाद जो मैंने एक ख़ास काम करना है वो अपना ये रूम अच्छे से इसको तैयार करना है यूट्यूब के लिए। यहाँ पर कुछ अच्छे से गैजेट्स वगैरह लगेंगे, कंप्यूटर टेबल वगैरह लगेगा, और काफ़ी सेटिंग है जो यूट्यूब के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट होंगी इस रूम में, तो यहाँ पर मैं अपनी सेटिंग करूँगा इस रूम में। तो इसीलिए मैंने ये रूम को रखा हुआ था एक साइड पे कि अभी नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑनलाइन अपना कुछ करेंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर पर मैं अपना यहाँ पर टेबल लगाऊँगा, और इसी के ऊपर ही अपना बैठ के यूट्यूब पर जो सारा वर्क है इसी रूम में बैठ के किया करूँगा। तो अभी के लिए मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, जिसके साथ मैं अपना सारा यूट्यूब का वर्क देख सकता हूँ, कर सकता हूँ, एडिट वगैरह मैं अपने फ़ोन से ही कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास पड़ा हुआ है ये दो कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी पुराने हैं मेरे पास। उसके बाद उसके पीछे सेंसरी वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन अभी जो अपकमिंग डेज है उसमें यहाँ पर लेटेस्ट चीज़ें वगैरह लग जाएंगी, जो कि लेटेस्ट हैं और यूट्यूब से रेवलेंट हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल पे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, किस टाइप की ब्लॉगिंग आप मेरे चैनल पे आगे देख सकते हो। तो नंबर वन, यहाँ पे आपको फूड रिव्यूज़ वगैरह मिल सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग मिल सकते हैं, सॉरी ट्रैवल ब्लॉग्स। तो उसके बाद अनबॉक्सिंग आपको मिल सकती है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और काफ़ी किस्म की एडिट्स वगैरह, कोई ऑनलाइन टूल्स वगैरह आपको चाहिए तो वो इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर ईजीली मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि यार मैं भाई को बताऊं कि यार इस जगह पे आपको जाना चाहिए और जाके आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए और ये स्ट्रगल यही है, ये स्ट्रगल है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि भाई जाके आप इस चीज़ का रिव्यू करो, इस जगह पे जाके आप ब्लॉगिंग करो, और मैं इंशाल्लाह वहाँ पे जाने की भी कोशिश करूँगा, और जैसे आपके कमेंट्स होंगे उसको भी रीड करूँगा। और एक दो कंप्लेंट वगैरह मेरी कुछ और थी कि मेरी वीडियो मतलब बहुत लंबी होती है देखने के लिए, तकरीबन कोई 20-25 मिनट के अंदर अंदर चली जाती है, लेकिन उसको भी मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरी स्टार्टिंग थी तो इसलिए मुझे कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जितनी शॉर्ट वीडियो होगी उतना ही ज़्यादा आपको व्यूज़ आएंगे और लाइक भी मिल सकते हैं आपको आपकी छोटी वीडियो और आपके छोटे ब्लॉग की वजह से। हाँ जी, तो हमने बातें छतें काफ़ी ज़्यादा कर ली हैं, तो अभी टाइम हो रहा है कुछ रात के 12 बज रहे हैं, और मुझे बहुत शदीद भूख भी लग रही है। तो बातें छतें तो ऐसे ही चलती रहेंगी, ब्लॉग्स आते रहेंगे, और ऐसे ही हमारी डिस्कशन वगैरह चलती रहेंगी अबाउट ब्लॉगिंग, बहुत कुछ चलता रहेगा। लेकिन पहले अभी हमें खाना खाना है, काफ़ी भूख लगी हुई है, तो घर से तो नहीं इस टाइम कुछ खाऊँगा, बाहर जाना पड़ेगा, तो जाके देखते हैं इस टाइम बाहर क्या मिलेगा। अभी यार बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है, तो काफ़ी दिन बाद इतनी ठंडी हवा चल रही है, और मैं बाहर भी जा रहा हूँ तो बारिश नहीं हो रही बस फैसलाबाद में, तो पता नहीं क्या है। आप लोग भी दुआ करो यार बारिश हो जाए, बहुत गर्मी पड़ रही है पिछले एक वीक से, नहीं बल्कि जब से मैं आया हूँ उमरा करके तब से ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
लो जी गाड़ी हमने निकाल ली है तो चलते हैं अभी। तो यार रास्ते से मैंने अभी अपने एक दोस्त को पिक करना था तो वो अभी साथ नहीं आ सका, तो अभी मैं अकेला हूँ तो सोच रहा था चलो साथ वीडियो बनाता हूँ। और आप में से आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था अगर किसी को कॉपीराइट क्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो ज़रूर मुझे बता सकता है, कमेंट में बता सकता है, या अगर मेरा कोई दोस्त वगैरह देख रहा है ये वीडियो या कोई भी जानने वाला देख रहा है तो वो मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं भी सोशल अकाउंट पर मैसेज वगैरह कर सकता है। यार भाई ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, मैं यही चाह रहा था कि आपसे बात वगैरह करूं, और ब्लॉकेज हो गई थी ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा, मौसम भी बहुत अच्छा है, लोग बाहर निकले हुए हैं मौसम एंजॉय करने के लिए, सिर्फ ठंडी हवा है, बारिश नहीं हुई और बारिश होती है तो देखो क्या बनता है यहाँ का सीन, वो भी आपके साथ जिस दिन बारिश होगी उस दिन भी व्लॉगिंग करूँगा इंशाल्लाह निकल के। यार तो अभी बस यही डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या खाऊँ, खाना मैंने बर्गर ही है और बर्गर भी मुझे पसंद है तो मैकडॉनल्ड KFC का, और एक दो और हैं वो इस टाइम शायद नहीं मिल सकेगा बर्गर, तो अभी मैं जाने वाला हूँ मैकडॉनल्ड ही और वहाँ पे जाकर अपना फेवरेट बर्गर लगवाऊँगा और उसको खाऊँगा। बर्गर का नाम है ग्रैंड चिकन स्पाइसी, वो मेरा फेवरेट भी है तो मूड भी था आज ही खाने का, तो अभी चलते हैं और जाके अपनी मील लेते हैं और खाना खाते हैं। तो यार अभी मैंने बस ऐसे ही फ़ोन पकड़ा हुआ था तो वीडियो बना रहा था तो काफ़ी लोग देख के हंस भी रहे थे और ऑकवर्ड फील करवाना चाह रहे थे, लेकिन अब तो ये व्लॉगिंग में आ चुका हूँ, अब तो ये मेरा काम रहेगा साथ साथ हाथ में फ़ोन पकड़ना, तो इस चीज़ के लिए मुझे ये अभी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो पहले कभी टाइम था मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाता था इस चीज़ को कि यार वीडियो बना रहा हूँ लोग क्या सोचेंगे, तो अभी इस चीज़ का मेरे अंदर कोई मसला नहीं है, लोग जो सोचते हैं वो सोचते रहेंगे और आपने जो करना है वो आप वो करोगे तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। हाँ जी तो अभी मैं पहुंच गया हूँ ड्राइव थ्रू मैकडॉनल्ड के, तो यार आज शुक्र अल्लाह का आज इतना कुछ ख़ास रश भी नहीं है, लेकिन अगर रश होता भी तो शायद आज मैं यहाँ पे ना रुकता और आज मेरा ऑर्डर भी आज जल्दी रिसीव हो जाएगा, वरना यहाँ बहुत लंबी लाइन होती है मैकडॉनल्ड पर। तो अभी मैं ड्राइव थ्रू पर ही हूँ, जो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं यार आगे, तो जी हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, नेक्स्ट विंडो पे हम करेंगे अपनी पेमेंट। जैसा कि आपको बोला था आज मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और सेम उसी तरह रश नहीं है। तो जी हमने करवा दिया अपना बर्गर ग्रैंड चिकन स्पाइसी, अभी हमें यहाँ से बर्गर मिल जाएगा, पिक करेंगे और ड्राइव थ्रू में ही मैं इसको। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आ चुका है जी मेरा बर्गर, इसको सामने रख लेंगे और तो ये आ गया जी मेरा बर्गर जो कि मेरा फेवरेट बर्गर है और ग्रैंड चिकन स्पाइसी कहते हैं इसको। इस चीज की वजह से ये मेरा फेवरेट बर्गर है। तो ये आ चुका है बर्गर, हमेशा की तरह ही आज भी फ्रेश है और टेस्ट इसका तो आपको जब आप इसको टेस्ट करोगे ग्रैंड चिकन स्पाइसी को तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना टेस्टी है, व्हाई आई चूज दिस वन जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने खाना खा लिया है, अब खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा था तो वो मीठे में मुझे पान बहुत पसंद है, तो अभी मैं हूँ भी डी ग्राउंड में फैसलाबाद में, तो आप भी जब भी डी ग्राउंड में आए या आपको पान अगर पसंद है तब आएँ, मुझे पसंद है मैं इसलिए जा रहा हूँ, अगर आपको पसंद है तब तो जाके बम्बिनो पान शॉप से अपना खुशबू वाला पान लगवाते हैं, वो खाते हैं इंशाल्लाह।